बोला था ना मैंने कि घर में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो फिर जबरदस्ती क्यों घुसे चले आ रहे हो मेरी जिंदगी में? सर जी, आपने तो पता किया था ना उसके बारे में, आपने बोला था सर जी सब चंगा है। इसने मनोज जी की प्रोफाइल चेक करवाई थी? हाँ, करवाई थी मैंने। और रंजीता जी, मैंने जो कुछ भी चेक करवाया था सब कुछ सही निकला था। अब किसी के मन में अगर फ्रॉड हो तो मैं कैसे चेक करवा सकता हूँ? सच्ची में चेक करवाया था या फिर एमए फोन करके बोल दिया हाँ जी सब कुछ चंगा है? एम्बेसी से चेक करवाया था मैंने, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। अभी भी जाकर चेक करोगी ना, वही मिलेगा। दोबारा मेरे काम को लेकर कभी सवाल मत उठाना। दोबारा कभी मौका ही नहीं मिलना कि तुम्हारा और मेरा रास्ता कभी आपस में क्रॉस भी होगा। प्लीज डोंट बिहेव लाइक दिस, कि ये सब मेरी गलती है। अरे मेरी छोड़ो, तुम्हें समझ में नहीं आई ये बात? तुम्हें शक नहीं हुआ? तुमने तो उसके साथ वक्त बिताया ना। हाँ, मैं पैटर्न्स बताऊं, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, गारंटी के साथ बोल सकता हूं मैं, ऐसे की बात की होगी ना उसने? मैं बताता हूं आप सबकी प्रॉब्लम क्या है। आप सब ना ये मान लेते हो कि ये किसी और के घर में हो सकता है, पराए घर में हो सकता है, किसी और के साथ हो सकता है, मेरे साथ नहीं हो सकता है। हो गया जी? और रंजीता जी, जहां तक वीजा की बात है तो मैं वो 48 घंटे में दिलवा सकता हूं, और अगर आप कहें तो डिपार्टमेंट की तरफ से मैं उस आदमी के खिलाफ इंक्वायरी भी खुलवा सकता हूं। बताइए क्या करना है राणा जी? नहीं सर, बस आपने कर दिया जितना आप कर सकते थे। धन्यवाद जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने जांच दिए लेकिन हमने सीरत नहीं पहचानी, बहुत बड़ी गलती हो गई, हम सब खते हैं। नहीं नहीं, अब रहने दीजिए आप। अरे राणा जी, सर सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मनोज जैसे लोगों का पकड़े जाना बहुत जरूरी है, वरना समाज में गंदगी फैलती रहेगी। सर जॉर्जिया में मेरे काफी अपने समाज की गंदगी साफ करो, मेरे घर में झाड़ू लगाने की कोई जरूरत नहीं। पापा जी ने कहा ना कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करवाना। तुमने जितनी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो बस। देखो, एक नाम दे रहा हूं, एड्रेस दे रहा हूं, जॉर्जिया का है, उठा उसे घर से, उठा उसके समझा, तबीयत से समझा उसे कि अपनी बीवी अपने पास रखे और ठीक से रखे, इज्जत से रखे उसे जॉर्जिया में। कुछ भी मिले उसके अगेंस्ट सीधा मुझे कॉल आना चाहिए, समझा? छोड़ूंगा नहीं उसे। ओ, मेरे को तो तभी पता चल गया था जब पैसों के घपले की बात सुनी थी मैंने। एक नंबर का स्कैमिया है वो और उसका परिवार, फंस गई मेरे बच्चे। अब मैंने इसको यहाँ नहीं भेजना है। मैं जानती तू गुस्से में, हम सब गुस्से में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी, एक हफ्ते पहले हुई है शादी, तू शादी तोड़ देगा? है कहाँ शादी, वो तेरे मन में है गोल्डी, जीते के मन में है शादी, लेकिन उनके मन में था सिर्फ पैसा, सो लूट के ले गए कमीने है। रही कहाँ शादी, हुई कहाँ शादी, अरे स्कैम हुआ स्कैम। तू ना पगला गया है, शांति से बैठ के बात कर सकते हैं, कुछ कुछ समस्या का हल निकाल सकते हैं। इतना आसान नहीं है शादीशुदा लड़की को घर में बिठाना। तू कैसी बातें कर रही है हा? अपने दिल पे हाथ रख के बोल, क्या इस घर में तुझे किसी भी बात की कमी हुई है? जो रोटी हमने खाई है वही रोटी हमने तुझे भी दी है ना गोल्डी? वीरे वीरे,
सिर्फ रोटी नहीं चाहिए होती है, शादीशुदा छोटी लड़की का दिल भी होता है। मेरे गुस्से में ऐसी कोई बात मत कह देना, ना ऐसा कोई फैसला लेना जो हमारी मेघा पर भारी पड़े। हो गया बहन जी, आप इतनी रात को आओ ना जी, अंदर आओ जी। समझण जी आई है और परजाई जी तुसी इथे बाहर क्यों खड़े हो जी, अंदर आओ, अपना ही घर है। आप तो थक गए होगे ना जी, और चलो जी चाय शाय पियो ठंडा ठंडा। ड्यूटी पे हम लोग, मैं एसआई युवराज सिंह, ये एएसआई रंजीता जी, हम यहाँ केस की छानबीन के लिए आए। ओ जी, कोई केस ही हो गया जनाब? पास वाले मोहल्ले की एक बेटी है मेघा खुराना, उसके बारे में बात करनी है। ना बात हो रही ना चित, लगता है सारे पजामे में चीटी भर गई है। वैसे मेघा पुत्र सब ठीक तो है ना? डॉली बहन जी, अभी ना घर में कुछ पर्सनल बातें चल रही है, तो प्लीज आप जाइए। हाय, मैंने कौन सा जायदाद लिखवा लेनी है, वो तो दूध चाहिए था थोड़ा सा, सोचा आके ले लूं। वैसे भी मोहल्ले की बेटियां तो सबकी बेटियां होती है ना मेघा पुत्र? मेघा पुत्र थोड़ी मुरझाई सी लग रही है। नहीं नहीं आंटी जी, सब चंगा है, सब ठीक है। आपको दूध चाहिए था ना, वो क्या हुआ, दूध तो फट गया, किप्पू ने ना पनीर बना दिया उसका। अच्छा, नहीं चीनी तो होनी ना, वो भी खत्म हो गया आंटी जी। चलो ठीक है, कोई ना। वैसे मेघा पुत्र, तू तो कल ही ससुराल गई थी, आज फिर मायके आ गई है, मम्मी पापा की याद आ रही होनी ना, इसलिए है। और तो कोई गल नहीं है ना मेघा पुत्र? वैसे मेघा पुत्र, घड़ी घड़ी ना ससुराल से मायके नहीं आया करते, अच्छा नहीं होता है। तो हानो की आंटी जी, मैं अपने घर विच रहूं या ससुराल विच, तुसी अपने घर के मसले जाके सुलझाओ ना। दूध चीनी लेने आए थे ना? नहीं है, सुन लिया ना, अब जाओ। जब देखो गॉसिप गॉसिप गॉसिप। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप अपने बेटे के 420 पर? बहन जी, वर्दी पहन लेने से रिश्तेदारी थोड़ी ना खत्म हो जाती है। बहन जी, अभी ड्यूटी पर हूँ। मनोज जी दिमाग है आपका, और जी आप तो ऐसे जी ऐसे पूछताछ करा रहे हो। पूछताछ तो अभी शुरू भी नहीं की, और जिस तरह के आप लोग हो वो हमारी बेटियों की खुशियों पे जिस तरह से डाके डाल रहे हो, उसके लिए हमें कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। आप अपने बेटे के कच्चे चिट्ठे खोलेंगे या फिर हम वारंट लेकर आएंगे। बात तो आप लोगों ने ही बढ़ाई है, तो संभालनी भी अब आप लोगों को ही पड़ेगी। मेघा के वीजा के लिए अभी तक भी अप्लाई नहीं किया है दामाद जी, मेरा मतलब मनोज कोहली जी। फोन उनका मिलता नहीं, मिलता है तो वो उठाते नहीं, बात नहीं करते हैं। आप कहिए उनसे कि बात करें, अगर गलती हो गई है तो मान लेना, अभी भी गलतियों को सुधारा जा सकता है। पर इसके लिए पहल तो आप ही लोगों को करनी पड़ेगी जी। आप कहिए उनसे कि बात करें, जो बिखर रहा है उसे संभालने की कोशिश करें। आज आप जैसे आए हो ऐसे संभाला जाता है? मुझे जरा फोन देना जी।